दिन भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। मामला सीतापुर की लहरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व प्रधान अमरीश वर्मा ग्राम कोरिया गंगा दास के मासरा प्यारापुर में जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री बनवाने का कार्य करवा रहे थे। वहीं बाउंड्री से सटा हुआ आरोपी उमेश का खेत है, जिसके चलते उसने स्कूल की कुछ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वह बाउंड्री बनवाए जाने से रोक रहा था, जिसके बाद पूर्व प्रधान द्वारा विरोध जताने पर गाली गलौज कर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसके चलते पूर्व प्रधान अमरीश वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर देकर मामले से अवगत कराया गया है। वजीर बताइए कैसे हुई पूरी घटना? ये घटना हुई वहाँ पे जो है लेबर काम कर रहे थे, न्यू बन नहीं रहे बाउंड्री स्कूल के लिए बनाए रह रहा है। उसके बाद में प्रधान जी वही आई गए नत्था राम और उमेश, तो इन्होंने कहा बाउंड्री गलत बन रही, तो प्रधान जी कहीं जाँच बनी रहे वहीं बन रही है। आप करे खेत से काम मतलब खेत के बीच में जगह भी पड़ी काफ़ी, तो उसमें ये चाकू चला दिया प्रधान जी के पर, तो प्रधान जी घायल हो गए। पुलिस में तहरीर दी तो पुलिस ने यहाँ रिफर किया अस्पताल को, यहाँ से फिर तहरीर गए तो वहाँ बता रहे 23-24 लगेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। रमा शंकर मेरा नाम है, मैं ग्राम परिया गंगाधर छोड़ना का रहने वाला हूँ, मिस्त्री गिरी का काम करता हूँ और जूनियर हाई स्कूल में बाउंड्री का निर्माण हो रहा था, उसी में कार्य चल रहा। कार्य करते समय उमेश व नत्थाराम आए और न्यू को पाटने लगे। प्रधान जी जब वहाँ पर जाकर मना किया, कुछ उसी में कहा सुनी करते हुए उन्होंने प्रधान जी के चाकू मारकर और फरार हो गए, भाग गए। जब यहाँ प्रधान जी को अस्पताल में लाया गया, इलाज हुआ, इलाज होकर फिर कोतवाली पहुँचे। कोतवाली में थाने के अध्यक्ष साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कीजिए कि आप चला कर लीजिए या फिर से एयरपोर्ट बनाइए। क्या नाम है आपका? हरिओम। बताइए कैसे हुई पूरी घटना? अरे सर, जो हमारे स्कूल की बाउंड्री करवा रही निर्माण करवाया गया था, वहाँ जो लेखपाल साहब आए थे नाप गए थे, तो वहाँ उसका अवैध कब्जा बनाए हुए हैं। वो जो नत्थाराम श्री राम उमेश जो उसका लड़का है, तो वहाँ प्रधान जी रोकने गए तो वहाँ उसने चाकू मार दिया वो उमेश श्री राम, और घटना स्थल पे हम तो वहाँ तो थोड़ी देर में बाद में आए थे, और हमारे लेबर और सब मिस्त्री वहाँ थे, तो वही चाकू मार कर घायल हो गए। पुलिस में कोई तहरीर दी इसकी? हाँ, पुलिस में दी तहरीर। क्या कहना है पुलिस? कह रहे हैं जल्दी खड़ा कराओ, तब देखते हैं क्या। 307 नहीं, 307 एकदम बताओ।